तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन मुजफ्फर चौधरी का। मुजफ्फर चौधरी का है। इसमें भी बस इनकी बेइज्जती दिखाऊंगा, बड़ाइयाँ तो दिखाने से रहा इनकी मैं हूँ। ऐसे इनके कर्म भी ऐसे कुछ है इनकी जो बड़ाइयाँ दिखाई जाए। तो बात इस पे है कि बाजवा को जो अफगानी ने गालियां दी भर भर के, माँ बहन बाप, और वो इतना बेगैरत बैठ के हंस रहा था, कलीज का बच्चा। तुम अफगानिस्तान ने जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ यार, आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तो बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ गांडू। आगा बाजू अफगानिस्तान के देखा लला सा। चलो देखते हैं बाकी इस पे पाकिस्तान के जाहिल बच्चे क्या कहते हैं। आज आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हुई हुई है, कि जिसके अंदर दिखाया गया है कि जो हमारे एक्स जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो अपनी बेगम के साथ बैठे हैं और वहाँ पर एक अफगानी आया और उन्होंने उसको गालियाँ दी हैं, वहाँ पर पश्तों के अंदर गालियाँ दी और उसके पीछा भी किया उनका बाद में। तो कैसे देख रहे हैं कि इस तरह हमारे जो आर्मी चीफ की एक इंसल्ट करना, वो भी एक अफगानी की, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो पाक फौज है भाई, वो वाकई जिंदाबाद है, थी और रहेगी। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने अब किया है, जो करप्शन की है, उसका साथ तो देना पड़ेगा कि नहीं? अवाम जिस मसाइल में पिस रही है आपके सामने है। तो अफगानिस्तान उसने जो भी कहा सही, मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पर ये गलत है, क्योंकि एक फैमिली के सामने, उसकी बीवी है उसके सामने, उसको इस तरह से कहना ये गलत है। बाकी उसने जो करप्शन किया है, वो हमारे अदारे बैठे हुए हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हम ये सारा कसूर हमारी जुडिशरी का होता है। नहीं, वहाँ पर उसने करप्शन की तो बात नहीं की, अफगानी अफगानी है ना वो, असल में वो उसके मकासद कुछ और थे। वो ये जा रहा था कि वो हमारे जो आर्मी चीफ है उसकी इंसल्ट करे, पूरी दुनिया को दिखाया कि जी ये देखे मैंने पाकिस्तान आर्मी के चीफ की जो है ना वो इंसल्ट की है, अफगानी ये चाह रहा था। बेसिकली अगर देखा जाए तो इखलाकी तौर पर उसकी फैमिली के सामने, चाहे वो करप्ट है जो भी है, ये करना नामुनासिब था। और वो अफगानिस्तान को जिस तरह से हमारे मुल्क में इतने 20 से 30 लाख अफगानी हमारे मुल्क में आके काम भी करते हैं, हम लोग उनको इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया है। और देखा जाए तालिबान को जिस तरह से हम लोगों ने सपोर्ट किया है फाइनेंशियली तौर पर, वैसे भी भाई ये तालिबान को सपोर्ट करने की वजह से अफगानी हमारे खिलाफ है, मेरा तो यही ख्याल है। देखें वो उनका पॉलिटिकली जो मसला है वो खुद सॉल्व कर लेंगे, उनकी आवाम का है जो भी है वो मसला, लेकिन इस तरह से एक एक्स आर्मी चीफ को इस तरह से इखलाकी तौर पर गालियां देना ये नामुनासिब है, क्योंकि वो जिस तरह से भी अब हमारा एक्स है, जो उस पर करप्शन है वो हमारे मुल्क का मसला है। अगर जब अपना मुल्क छोड़ के जाएंगे ना भाई, तो ऐसा ही होगा, सीधी सी बात है। अबे वो तो बात ही नहीं करता, झंडू इस बात की, इनकी सबसे बड़ी यही है कि इनसे सालों से पूछो कुछ बोलेंगे, कुछ होता कुछ है। इनसे पूछ लो तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास एटम बम है। अबे क्या खाने के लिए पूछा उसने, तुम्हारे टैंकों में तेल तो है नहीं साले, एटम बम है, धड़का जला लो अपने पिछवाड़े पे, फट जाओ सालो, वैसे ही फटते रहते हैं हम। उस अफगान ने इसलिए गाली दी क्योंकि तुम्हारी पब्लिक ने, तुम लोगों ने, तुम्हारी चीफ ने, तुम्हारी गवर्नमेंट ने उन्हें उजाड़ कर रख दिया, तुम लोगों ने अड्डे दिया यूएस को, तुम लोगों ने उनकी यह हालत करी है। वो इसलिए नहीं करा कि उसने करप्शन करी है, और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम आग लगा लो चाहे साले अपने अंदर, उसको इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अफगान ना तुमसे ज्यादा गैरतमंद इंसान है, इज्जत है उन लोगों में तुम्हें। तुम पाकिस्तानी एक बार जाके जरा अफगानिस्तान में तालिबानों से मिल लो, तालिबानों से तुम वहां के नॉर्मल बंदों से मिल लो, अफगानों से, और बोल दो पाकिस्तानी हूँ, नंगा करके पिछवाड़े से कोरमा चटवाएगा, और गलती से अफगानों के हाथ लग गए तो कोरमे वाली गुल्ली पिछवाड़े पे दाग देगा वो, और फिर पूछेगा मार के हाउस द कोरमा वल्ला कुची, हाउस द कोरमा लाली की जान, भूसखाजी घेरे पिछवाड़े में भाला दे के तेरे। इस वजह से चिढ़ते हो तुम लोगों से, तुम लोग मिलो तो उनको कहीं बाहर, सही में सारे चूते हैं, सालों से पूछो कुछ होता कुछ है, है? कहीं की ती, कहीं की है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, उसने किसका सर फोड़ा पता ही नहीं साला, कॉस थीटा वाई साइन थीटा, ये मेरी खाला का बेटा और ये मेरी अम्मी का छोटा। सीधी सी बात है, अपना मुल्क क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों बाहर जाके? मैं ये भी अगर चीज देखे ना, अगर हमारे वतन वाले लोग ही हमारे आर्मी चीफ की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो अफगानी क्यों करेंगे? इसमें ये भी चीज करते हैं, ये नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करते या हम गालियां निकाल रहे हैं। बस इमरान खान साहब आप देखें, वो बाजवा ये ऐसे अपने जलसों के अंदर कहते रहे हैं, वो बाजवा को जिस तरह से भी कहते हैं, वो बाजवा को जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है बाजवा के मुतल्लक, बाजवा ने बहुत सारी गलत बातें की हैं, बाजवा ने बहुत सारे काम गलत किए हैं। जिस तरह से हामिद मीर ने एक टॉक शो में बैठ के ये बात कही है कि बाजवा ने हमें खुद कहा है कि हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं है, एक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं है,
तो ये इस्लामी तौर पर अगर हम देखें तो ये हमारे जो नौजवान जो पीछे जो लड़के जो पाक फौज में जाना चाहते हैं, ये उनको क्या ये उनको जज्बात दे रहे हैं कि हमारी फौज लड़ने के काबिल है, हमारे पास टैंक नहीं लड़ने वाले, हमारे पास फ्यूल नहीं लड़ने वाला। ये इस्लाम में 313 हजारों पर भारी पड़ गए थे, हमने जज्बा ईमान ने ये बात की थी। अगर जनरल बाजवा ने ये बात की तो इस मकसद के लिए बात की थी कि वो ये चाह रहे थे कि हम इंडिया के साथ अपनी दुश्मनी को भूल जाएं, हम इंडिया के साथ अमन को आगे बढ़ाए, इस मकसद के लिए उन्होंने ऐसी बात की। किस तरह से भूल जाएं हम उन कश्मीरियों को, कैसे भूल जाएं, आप पहले ये बताएं। आपको पता है कि हामिद मीर के साथ कश्मीरियों ने आज क्या किया है, आपको पता है ये? नहीं, मुझे नहीं अभी तक। वहाँ पर उनके सामने आज एक सेमिनार हो रहा था आजाद कश्मीर में, सेमिनार के अंदर आसमा शेराजी वहाँ थी, बसतुल्ला खान थे वहाँ पर, हामिद मीर था, उन्होंने आज़ादी पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगाए हैं। तो आप कहते हैं कि जी हम कश्मीरियों की वजह से इंडिया के साथ दुश्मनी, कश्मीरी तो हम हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं वहाँ पर। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि कौन भाई कौन से एक ऑथेंटिक सबूत इन लोगों के पास नहीं होता, इनके पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कोई भी। 313 लाखों पे भारी कहाँ भाई, कौन सा कहाँ लिखा है, कहाँ है, एक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दिखा दो तुम लोग मेरे को। एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तुम लोगों के। हल्दी घाटी का युद्ध याद है? नहीं याद होगा तुम लोगों को, तुम्हें फर्क ही उससे, तुम उसको जानने की जरूरत ही नहीं तुम लोगों को है। कितने कुफार थे, कौन सा कहाँ से, कौन सा जज्बा है तुम्हारे अंदर की साला जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखा? ऐसा कौन सा टैलेंट है जो पूरी दुनिया को आज तक नहीं दिखा? सिर्फ फटने का, जिहाद का, आतंकवाद का, भीख मांगने का, मुजरा करने का, रखेले बनने का, धंधे वालियां बनने का, मुजरे वाली बनने का, तुम लोगों का ये टैलेंट तुम्हारे अंदर भरपूर भरा हुआ है। तुम्हारे यहाँ पे बच्चा बाद में पैदा होता है, पेट में उसके हाथ में पहले कटोरा आ जाता है, वो स्कूल बाद में जाता है, पहले उसको पता होता है कि हमारे पे एटम बम है, एटम बम है, टैंक में चलाने के लिए तेल ना हो, है बुझी हुई मोमबत्ती, घंटमनी पिस्तौल। सही बात है कि खाला को ना ताला लगा दिया जा देना चाहिए, खाला को ताला लगा गया है लगता है ये, के साथ साथ अपने दिमाग को भी ताला लगा गया है। कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, वो इनका बड़ी बड़ी बातें करवा लो और माई देना। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा देते हैं, काफी लोग हैं ना, तो ये किसी एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये नहीं देख सकते कि होल कश्मीर क्या चाहता है। होल कश्मीर ये नहीं चाहता कि हम लोग पाकिस्तान से, अगर वो पाकिस्तान से अलहदा भी होना चाहते हैं तो उनको एक अलहदा रियासत देना उनका हक है, वो उनका हक है। वो अगर अलहदा रहना चाहते हैं, वो अपनी इबादत हर चीज़ अलहदा जाके करना चाहते हैं, तो उनकी रियासत अलहदा जानी चाहिए। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि जो अफगानी ने जो आज किया है वो मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पर वो गलत है, क्योंकि जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं बाजवा के साथ, जो हमारा मुल्क का मसला है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, वो अफगानी आके सॉल्व नहीं करेगा, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप कैसे वैसे देख रहे हैं कि ये जो नफरत है जो पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर ये जनरल बाजवा के लिए डाली गई है, पीटीआई के जो अक्सर लोग, मैं अभी भी बात करता हूं किसी से भी तो वो कहते हैं जी अच्छा हुआ जनरल बाजवा के साथ, आप कह रहे हैं कि ये नहीं गलत हुआ है। तो ऐसे भी लोग हैं ना, जैसे आपका माइंड है, कुछ हमारे यहां पर लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी टिट फॉर टैट, मेरी अभी एक कुछ लोग थे वो बिहाइंड द कैमरा वो कह रहे थे टिट फॉर टैट जैसे उन्होंने किया है वो भुगत भी रहे हैं। तो ऐसा भी नज़रिया पाया जाता है ना पाकिस्तान में? काफ़ी पाया जाता है। देखें, मेरा ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि बाजवा बहुत अच्छा था, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा जो उसने काम किए हैं गलत किए हैं उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा, लेकिन इखलाकी तौर पर जो उसकी बीवी के सामने का अफगानी ने किया है ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, एहतजाज हर शहरी का फ़र्ज है, लेकिन एहतजाज में गालियाँ देना ये फ़र्ज नहीं है, ये फ़र्क करता है एक पुरमन एहतजाज में और एक वैसे एहतजाज में, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी बाजवा ने जो किया है बाजवा को उसका हिसाब देना चाहिए और देना पड़ेगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। अगर हमारी पाक फौज इस इस्लाहियत में हुई, हमारी कोई जुडिशनली इस इस्लाहियत में हुई कि जो जो करप्शन करके गया है, पहले तो आप जितने एक्स आप आर्मी चीफ देख लें वो सारे के सारे तकरीबन बाहर ही बैठे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान में रहता है पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान को कब्रिस्तान ना बनाया जाए, आप लोग जिए बाहर जाके और मरने के लिए पाकिस्तान आ जाए, ये कब्रिस्तान नहीं है, ये 23 करोड़ आवाम के लिए जीने की एक राह है और हम लोग इसमें जी रहे हैं और हम लोग इंशाल्लाह जिस तरह से हम लोग पहले मेहनत की, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी है, आने वाले वक्तों में ये नौजवान नस्ल को जितना शऊर मिल चुका है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो इस मुल्क को आगे लेके जाएगी। आप इंशाल्लाह हबीबुल्लाह नसरुल्लाह नसरुद्दीन कबुल्ला है, पहली बात वो पाकिस्तानी नहीं, दूसरी बात वो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने यहाँ करप्शन करी तुम्हारे पाकिस्तान में, बंदे नोचे, कुत्ता खाया, सुअर खाया, गधे के अंडा खाया, उससे से कोई मतलब नहीं है उसको। इससे से मतलब है कि जो तुम लोगों ने यूएस को अड्डे दिए, यूएस को, यूएस से पैसे लेके अफगानों के साथ जो करा है तुम लोगों ने, उनकी पब्लिक के साथ जो करा है, उस चीज का उनको बदला लेना है। और जो टीटीपी लोग तुम्हें ठोक रहे हैं ना, अभी तो शुरुआत है,
जो अफगानिस्तान में हुआ था वो तुम्हारे साथ भी होगा। और सही कश्मीरियों की बात, अपनी फौज हटा के देख लो एक बार, जिस दिन वहाँ से फौज हट गई ना वो खुद ही लात मार के भगाएंगे। बस खाली तुम वहाँ पे ना जो तुम लोगों ने तुम्हारी होती ना अर्जुक आजमी वो ही बता रही थी कि मैं एक बार इंटरव्यू लेने गई थी कि वहाँ पे मना कर रखा था कि कश्मीरियों को बेचारे पीओके वाले जो थे कि आप लोगों को किसी से बात नहीं करनी है, बात करने से तक मना कर रखा था। वहाँ पे एक बॉर्डर बना रखा है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते, इन लोगों से बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इनका भाई साहब जज्बा, साला जज्बा ना हो गया बवासीर हो गया खूनी, जब मर्जी निकल जाता है पिछवाड़ों से। बहरहाल बात कर लेते हैं बाजवा की, तो भाई इनको गालियां, इनको जूते पड़ने चाहिए। अगर ना वहाँ पे पुलिस वालों का खौफ नहीं होता ना थोड़ा सा, तो अफगानी ना इनको नंगा करके मारता। इतनी बेगैरत, इतने बेशरम बंदे हैं, मतलब वो गालियां दे रहा है उसको, उसकी लुगाई भी हंस रही है, वो खुद भी हंसता है कि वाह मुझे गालियां पड़ रही है। सोचने वाली बात है यार, मतलब जिस बंदे को गालियां पड़ती हैं वो खुश होता है, ये बंदे गाली खा के भी खुश होते हैं। तभी तो कहता है इनके अंदर ना लाज ना शर्म और ना डर, सब बेच के खा गए हैं। एक मुल्क सिर्फ ये ना, सच में ये ऐसा जोक है जो हर कोई इसको ठोक रहा है। ऐसे ऐसे जोक मारते हैं फिर इनको हर कोई ठोकता है, कभी TTP ठोकता है, कभी इंडियन आर्मी ठोकती है, कभी मोदी जी ठोकते हैं, कभी योगी जी ठोकते हैं, कभी हम जैसे ठोकते हैं, कभी अफगानिस्तान ठोकता है, कभी UK US, हर कोई ठोकता रहता है। ये मुल्क सिर्फ वो जोक है जो हर कोई ठोक रहा है इनको। बाकी भाई आप लोग इनको कैसे ठोकते हो मुझे नहीं पता, बाकी ठोक देना कमेंट सेक्शन में। हाँ, जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। तो चलो चलता हूँ, मिलता हूँ मैं तब किसी और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।